एमपी में का बाप, एमपी वाले मामा जी के कर तूतनी राला बकर महाकाल हर पटवारी। डबल इंजन सरकार के काम की पोल खोलते हुए नेहा सिंह राठौड़ ने एमपी में काबा गाना बनाया, तो उसके बाद उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है और अब सरकारी कवि भी मैदान में उतर गए हैं, जो दिखाता है कि सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए मीडिया के साथ अब दरबारी कवियों की फौज भी तैयार कर ली गई है। नेहा राठौड़ ने एमपी में काबा गाना बनाया तो यूपी चुनाव में योगी बाबा के गीत गाने वाली अनामिका अंबर जैन नेहा को टारगेट करते हुए एक गाना लेकर आ गई। अनामिका अंबर जैन ने इस गाने में नेहा की आलोचना करने के साथ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को चमत्कारी मामा बताते हुए गुणगान किया है। अनामिका अंबर जैन के इस गाने को देखकर पब्लिक ने उन्हें दरबारी कवि बताते हुए कहा, मुझे लगता है अब बीजेपी को अपने सभी प्रवक्ताओं की नियुक्ति रद्द करके आदरणीय अनामिका अंबर जैन को नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह जवाब ये बढ़िया देती है। मैडम, ये लोकतंत्र है जहां कमियों पर प्रकाश डालना चाहिए और उसकी आलोचना करने से लोकतंत्र मजबूत होता है, ना कि कमजोर होता है। पटवारी घोटाला हुआ है, जरा उस पर भी प्रकाश डाल देते आप। बहनों की बिल्कुल सेवा हो रही है, लेकिन जीजाओं का क्या हाल है, भांजों का क्या हाल है, ये तो आपने बताया नहीं। 5 साल से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, और जब भर्ती में घोटाले हों, हर भर्ती में उसका क्या होगा, गजब है। लेखक, कवि, पत्रकार, लोक गायक, सोशल सोसाइटी, इन सभी का काम जनहित में सत्ता से सवाल करना है, और जो पद लोलुपता में या अन्य लाभ के लिए सत्ता की तारीफ करते हैं उन्हें लेखक, कवि, पत्रकार या कलाकार नहीं कहा जाता, उन्हें चारण भाट कहा जाता है। देश के पत्रकारों की पत्रकारिता में खबर एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार कवियों की कविता में चापलूसी नहीं सच्चाई झलकनी चाहिए। फिर बोलती है कि इन्हें सरकारी कवि नहीं बोला जाए। नेहा सिंह राठौड़ ने एक टीवी डिबेट के दौरान जब अनामिका अंबर जैन को सरकारी कवि बोल दिया था तो उन्हें बुरा लग गया था, लेकिन नेहा को टारगेट करते हुए गाना बनाकर अनामिका अंबर जैन ने साबित कर दिया कि नेहा सिंह राठौड़ उनके बारे में सही बोल रही थी। नेहा सिंह राठौड़ को लोक गीतों के जरिए जनहित के मुद्दे उठाने पर और सरकार से सवाल पूछने पर जिस तरह परेशान किया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं और दरबारी कवि जिस तरह उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।